हाजिर हैं अगले सबक के साथ। सब्जेक्ट है हमारा आज उर्दू बे। क्या है उर्दू बे? आप सब अपनी ग्रामर की जो बुक्स हैं वो ओपन कर लें। पेज नंबर है हमारा, सफा नंबर है हमारा 4, बाब नंबर 1, सफा नंबर 4, पेज नंबर 4। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? कलमा, कलमे की इकसाम। जी प्यारे बच्चों, कलमा क्या है? कलमा क्या होता है? कलमा वो लफ्ज जिसके कुछ ना कुछ मायने हो कलमा कहलाता है। जी प्यारे बच्चों, कलमा क्या है? वो लफ्ज जिसके कुछ ना कुछ मायने हो कलमा कहलाता है। क्या मतलब है इसका? कि कोई भी अल्फाज जो मायने रखता हो वो कलमा कहलाता है, यानी कलमा बा मायने लफ्ज है, यानी कि कलमा जो है वो मायने रखने वाला लफ्ज है। कोई भी अल्फाज है वो मायने रखते हैं तो इसका मतलब है कि वो कलमा है। और कलमे का क्या मतलब है? कि कलमा एक बा मायने लफ्ज है। मसलन अब हम इसकी मिसाल देखते हैं कि क्या किस तरह का लफ्ज हो सकता है। रोटी, पानी, बात, झूठ वगैरह। जी प्यारे बच्चों, पर लफ्ज है, रोटी है, पानी है, बात है, झूठ है, तो इसे हम कहें कि ये कलमा है। क्योंकि रोटी जो है उसका भी कुछ मतलब है, कोई चीज़ है वो, पानी भी, बात भी, तो कलमा एक जो है वो वहाँ मायने लफ्ज है। ठीक है प्यारे बच्चों, कलमे की इकसाम है। अगर 3 इकसाम है कलमे की, क्या है? इसम, हरफ, फे। इसम, हरफ, फे, ये कलमे की 3 इकसाम है। अब हम इनकी जो है वजाहत देखते हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं। इसम का जो है हम मफहूम देखते हैं। इसम का मफहूम क्या है? किसी जगह, शख्स या चीज के नाम को इसम कहते हैं। किसी शख्स जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसम कहते हैं। जगहों के नाम देखते हैं हम, शख्स जगह या चीज का नाम है तो जगहों के नाम देखते हैं। ये मिसाल के तौर पर आपको बताया जा रहा है, सुमंदर, शाहदरा, लाहौर, पाकिस्तान, अमेरिका, दुनिया वगैरह, ये जगहों के नाम है प्यारे बच्चों। इससे भी ये जरूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ बुक में जगहों के नाम बताए जा रहे हैं सिर्फ यही जगहों के नाम है। आप अपनी मर्जी से भी जगहों के नाम लिख सकते हैं, कोई भी जगह, लेकिन वो जगह का ही नाम होना चाहिए। ठीक है, इसमें उन्होंने हमें बताया यहाँ समंदर है, शाहदरा है, लाहौर है, पाकिस्तान है, अमरीका है, दुनिया है, ये जगहों के नाम है। आप जो है और भी दूसरी जगहों के नाम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं शख्स का नाम, इसमें उन्होंने हमें बताया अशख़ास के नाम हम देखते हैं, अशख़ास के इसम जो है, सैफुर रहमान, उस्मान, वासिफ, नूर फातिमा वगैरह। प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे नाम लिखे गए हैं इसके अलावा भी आप नाम लिख सकते हैं। अली भी लिख सकते हैं, असद भी लिख सकते हैं, हादिया भी लिख सकते हैं, नूर भी लिख सकते हैं। इसी तरह अशिया के इसम देखिए, इसम बेसिकली नाम को कहते हैं। परिंदे, घोड़े, चीज़ों के नाम, परिंदे, घोड़े, ज़ेब्रा, गंदम, चावल वगैरह। कुर्सी भी आ सकता है इसमें, मेज भी आ सकता है इसमें, जो है ये जैसे ये मेरे पास मार्कर है ये भी लिख सकते हैं आप, किताब भी लिख सकते हैं आप, चीज़ों के कोई भी चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास इसम, अब हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरफ। हरफ की तरफ चलते हैं। हरफ वो कलमा है जो ना तो किसी चीज का नाम हो और ना किसी काम के करने या होने के मायने दे, बल्कि दो इस्मों या इसम और फेल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो। प्यारे बच्चों, जरा गौर से दोबारा सुनिएगा। हरफ वो कलमा है जो ना तो किसी चीज का नाम हो और ना किसी काम के करने या होने
के की को पर मैं से तक वगैरह, यानी के लफ्जों को जोड़ने का काम जो हो हरफ करे, जुमलों को जोड़ने का काम जो हरफ करे उसे हम हरफ कहते हैं। जैसे कि हरफ की मिसाल क्या है, हरफ क्या होगा, के की को तक मैं से वो ये, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा फेल, लास्ट फेल देखते हैं। फेल फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना सहना जमाने के लिहाज से पाया जाए। दोबारा सुनिएगा प्यारे बच्चों, फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना होना या सहना जमाने के लिहाज से पाया जाए। मसलन वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है हाल में, अभी ऐसे की मौजूदा सूरत हाल है। मैं कश्ती चलाऊंगा इन मुस्तकबिल, इन फ्यूचर मैं कश्ती चलाऊंगा, वो मछलियां पकड़ेगा वगैरह, ठीक है। दौड़ना, कश्ती चलाना, मछलियां पकड़ना, फेल जो है वो जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना जमाने के लिहाज से। फेल जो है, फेल हाल मतलब के कोई भी काम जो है वो जमाने के लिहाज से आपको करता हुआ उसको पता चलेगा। मसलन वो दौड़ रहा है, मौजूदा सूरत हाल है, मैं कश्ती चलाऊंगा, वो आने वाले वक्त के लिए सोच रहा है, वो मछलियां पकड़ेगा वगैरह, ठीक है। पहले बच्चों इसके साथ ही हमारा जो इसम है, इसम का मफहूम, इसम की इकसाम जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। सफा नंबर है हमारे पास 46 से 47, वाहद और जमा जो कि हम पढ़ेंगे। अपने आप अपनी बुक का पेज नंबर खोल लें, 46 वाहिद और जमा बाब नंबर है हमारे पास, बाब नंबर 8 है जिसमें मौजूद है वाहिद और जमा। सफा नंबर है 46, 46 से लेकर 47 तक हम आज पढ़ेंगे वाहिद और जमा, सजदा से लेकर रफीक तक। जी प्यारे बच्चों, वाहिद है सजदा, सजदा का जो है सजदा, जमा क्या होगा, सजूद, सजदा सजूद, इल अलूम। मैं बार बार रिपीट करूंगी लफ्ज को ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इल अलूम, फन फनून, फन वाहिद है तो उसकी जमा क्या होगी, फनून। हक हकूक, हक है लफ्ज हमारे पास तो उसकी जमा क्या होगी, हकूक। नेक्स्ट है हमारे पास रसम, रसम वाहिद है उसकी जमा क्या होगी, रसूम। नेक्स्ट है हमारे पास ऐब अयूब, नेक्स्ट है हमारे पास अमर अमूर, अमर की जमा क्या है, अमूर। नेक्स्ट है हमारे पास सतर सतूर, सतर लाइन को कहते हैं और उसकी जमा क्या है, सतूर। आगे है हमारे पास रकम, उसकी जमा देखेंगे हम, रकूम। आगे है हमारे पास जर्फ, जर्फ की जमा क्या है, जरूफ। आगे है हमारे पास वाहिद कैद, वाहिद क्या है हमारे पास, कैद, उसकी जमा हम लिखेंगे, कयूद। आगे है हमारे पास वाहिद प्लस नक्श, नक्श की हम जमा लिखेंगे, नकूश, नक्श की जमा हम लिखेंगे, नकूश। आगे है हमारे पास हद, हद की जमा है, हदूद। आगे है फर्ट, फर्ट की जमा है, अफराद। जमा क्या होती है प्यारे बच्चों, इतना तो पता ही होगा आपको कि एक चीज जो होती है वो वाहिद होती है और जो एक से ज्यादा चीजें होती हैं उसको हम जमा कहते हैं, और इसमें हम हमें वाहिद एक चीज बताई गई है और उसकी हम जमा बना रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला लफ्ज है हमारे पास फर्द, नक्श, नकूश, हद, हदूद, फर्द, अफराद, खल, इखलाक, खल, इखलाक, शक, शकू, ताय, तेवर, कबर, कबूल, असल, असूल, हर्फ, हरूफ, हुक्म, अहकाम। लफ्ज है हमारे पास हुक्म, अहकाम,
जिसकी जमा क्या है? अजसाम, शेर, अशार, जिन्स, अजनास, गर्स, अगराज। गर्स की क्या जमा है? अगराज, लुत्फ, अल्ताफ, कौम, अकवाम, शरीफ, शर्फा, शायर, शेरा। सफा नंबर 47 पर आ जाए, पेज नंबर 47 पर आ जाए। वाहिद है हमारे पास हबीब, अहबाब, शख्स, अशख़ास, शुग, अशगाल, नूर, अनवार, तर्फ, अतवार, अतराफ, तर्फ, अतराफ, सबब, असबाब, शकल, अशकाल, अदब, आदाब, तौर, अतवार, तौर, अतवार, फौज, अफवाज, यौम, अयाम। यौम की जमा क्या है? अयाम, अदद, अदाद, हदायत, हदायात, आफत, आफात, माल, अम्वाल, बदन, अब्दान, फिकर, अफकार। फिकर की जमा क्या है? अफकार, दौर, अदवार, साहिब, अस्हाब। साहिब की जमा क्या है? अस्हाब, फेल, अफ़ाल, गैर, अग्यार। गैर की जमा क्या है? अग्यार, कौल, अक्वाल। आगे है हमारे पास जिक्र, अजगार, शजर। शजर की जमा क्या है? असजार, हाल, अहवाल, अदीब, अदबा। अदीब की जमा क्या है? अदबा, हकीम, हकीम, हुक्मा, आलिम, उल्मा, फाजिल, फाजला, गरीब, गुरबा, अमीर, अमरा, मदरसा, मदारिस, हाजिर, हाजरीन, सामिया, सामीन। सामिया क्या होता है? सुनने वाले, सुनने वाला, और सामीन सुनने वाले ज्यादा लोग। फातिहा, फातिहीन। फातिहा क्या होती है? कामयाबी। तोहफा, तहाइफ, तोहफा, तहाइफ, वजीफा, वजाइफ, मस्जिद, मसाजिद, वजीर, वजरा, रफीक, रफका, रफीक, लास्ट वन इज रफीक, रफका। इसके साथ ही हमारे वाहिद जमा जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मज़मून की तरफ। मज़मून हम करेंगे, सफा नंबर है हमारा 142। ओपन योर पेज नंबर 142। डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज नंबर 142 जिसपे है आपका मज़मून। इलामा इकबाल पढ़ेंगे आज हम। इलामा इकबाल जो है 142 से लेकर 145 तक आज हम करेंगे पेज नंबर आपका। जी बैठे इलामा इकबाल, उनकी पहला पॉइंट है हमारा पैदाइश। इलामा इकबाल की पैदाइश के बारे में हम जो है देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। इलामा But
करने के लिए इसने मदरसे भेजा गया है। इलाहाबाद बाल को जो है दीन की तालीम के लिए 5 साल की उम्र में जो है उन्होंने सैलरोड की मंच हाई स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने प्राइमरी और मैट्रिक में जो है वजायफ हासिल किए। ठीक है, उनके जो है वो जमीन तालीम मैट्रिक पास करने के बाद मरे कॉलेज सियालकोट में दाखिला लिया और वहाँ से उन्होंने एफए किया। ठीक है, आगे जो है हम पढ़ेंगे इलाहाबाद बाल के जो सारे मोहतरम है शमसुल उलमा मौलवी मीर हसन। सियालकोट में आपको मौलवी मीर हसन जैसे शफीक और लायक उस्ताद मिल गए। यहाँ पे जो है मौलवी साहब जो मिले हैं, उस्ताद जो मिले हैं, पहले इलामा इकबाल को सियालकोट में उनका नाम क्या है, शमसुल उलमा मौलवी मीर हसन, जो कि नहायत जो है लायक और शफीक इंसान थे। मौलवी साहब ने इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह में दीनी जज्बा उभारा और अरबी में अरबी और फारसी का शौक पैदा किया। उन्होंने जो है इलामा इकबाल के अंदर दीनी जज्बे को उभारा है और उन्होंने फारसी और अरबी का शौक पैदा किया है। मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद का बेहद एहतराम करते थे। आप ही की सिफारिश पर हुकूमत ने मौलवी साहब को शमसुल उलमा का खिताब दिया। इलामा इकबाल की सिफारिश पर मौलवी साहब को शमसुल उलमा का खिताब दिया गया। कहाँ से? गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाहौर में तालीम का। इलामा इकबाल जो है वो लाहौर कैसे आए हैं और वहाँ पे जो है लाहौर में उन्होंने कौन कौन सी तालीम जो है वो हासिल की। सियालकोट से एफए करने के बाद इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले आए। एफए प्राइमरी मैट्रिक में वजायफ हासिल किए, एफए मरे कॉलेज से किया सियालकोट से ही। एफए करने के बाद आप लाहौर आ गए हैं, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए का इम्तहान पास किया। इलामा इकबाल जो है ऐसे करने के बाद जो है वो यहाँ लाहौर से तशरीफ ले आए। गवर्नमेंट कॉलेज उन्होंने बीए का इम्तहान पास किया। यहीं से फलसफे में एमए किया है। इसमें एमए किया फलसफे में और पंजाब भर में अव्वल रहे। फलसफे में एमए किया और अव्वल पोजीशन हासिल की। यहाँ आपको एक अंग्रेज को फलसफे आने जैसे लाइफ स्टाइल से फायदा उठाने का मौका मिला। यहाँ पर आपको एक यहाँ भी आपको एक जो है लाइफ फाइव स्टार मिल गए, जिनका नाम है ऑनलेट और उनके जो है आपने उनसे तालीमी खिदमात जो है हासिल में फ़ायदा उठाया। उसके बाद प्रोफेसरी का दौर शुरू हो जाता है इलामा इकबाल का। तो एमए करने के बाद फलसफे में उन्होंने एमए किया था। एमए करने के बाद आप कुछ अरसे ओरिएंटल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर रहे। उसके बाद जो है इलामा इकबाल ने प्रोफेसरी शुरू की है, कुछ टाइम वो प्रोफेसरी करते रहे हैं लेकिन प्रिंसिपल से इख्तलाफ की वजह से मुलाजमत छोड़ दी। लेकिन क्या हुआ कि प्रिंसिपल से उनका कोई इख्तलाफ हो चुकी थी, उन्होंने ये मुलाजमत जो है उसे लाहाफिज कह दिया। इसमें बेहतरी थी अगर आप ये मुलाजमत ना छोड़ते तो फिर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ना बन पाते। इस दौरान में आप शेर व शायरी भी करते रहे लेकिन अभी ज़्यादा शोहरत हासिल ना हुई थी। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वो प्रोफेसरी में ही लगे रहते, प्रोफेसरी ही करते रहते तो वो मजीद जो अपनी मेहनत और कोशिशें जो उन्होंने की और जो उनकी रंग ले गए तो वो ना करते तो वो प्रोफेसरी तक ही महदूद रह जाते। तो वो ये हुआ कि उनकी जो प्रिंसिपल थी उनके साथ इख्तलाफ हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी नौकरी प्रोफेसरी जो थी उसे अलाहाफिज कह दिया। तो आगे बढ़े वो, उन्होंने जो है वो शेर शायरी भी करते थे लेकिन अभी वो ज़्यादा शोहरत हासिल नहीं कर सके थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सफ़रे यूरोप। इलामा इकबाल का सफ़रे यूरोप 1905 में आला तालीम के लिए यूरोप रवाना हुए और वहाँ 3 साल कयाम किया। सफ़रे जो यूरोप में क्या उन्होंने बताया है कि 1905 में आला तालीम हासिल करने के लिए इलामा इकबाल जो हैं वो कहाँ चले गए हैं, यूरोप चले गए हैं और वहाँ उन्होंने कितने साल कयाम किया, 3 साल कयाम किया। आपने हिंदुस्तान से बैरिस्ट्री यानी वकालत और जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। इंग्लिस्तान से बैरिस्ट्री वकालत की डिग्री हासिल की है और जर्मनी चले गए, जर्मनी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली है। यानी कि उनका जो तालीमी सिलसिला है, जो तालीम का जो उनका सफ़र है वो मुसलसल जारी है। वो एक जगह पर स्टक नहीं हुए, वो एक जगह पर उस पर बैठे नहीं है कि मैं शेर व शायरी कर लूँ या मैं जॉब कर लूँ, नहीं। वो मुसलसल जो है सारा अपना काम साथ साथ कर रहे हैं और आगे से आगे आगे से बढ़ते जा रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंग्लिस्तान गए तो वहाँ उन्होंने बैरिस्ट्री की जो है वो 3 साल कयाम की है, बैरिस्ट्री की जो है डिग्री है वो लिया। सुबह वो जर्मनी चले गए, जर्मनी से उन्होंने पीएचडी की है। यूरोप का ये सफ़र आपके लिए
144 पे बच्चों 144 पे आ जाएं। यूरोप के माहौल को करीब से देखने का मौका मिला और दूसरी तरफ इस्लाम पर आपका अकीदा और भी पुख्ता हो गया। जी पहले बच्चों यूरोप का माहौल तो आपको पता ही है कि किस तरह का है, तो उस माहौल को करीब से देखने की वजह से इलामा इकबाल का जो अकीदा था अपने इस्लाम पर और ज्यादा पुख्तगी तैयार कर लिया। आप इस नतीजे पर पहुंचे के मगरबी तहजीब इंसान को तबाही की तरफ ले जा रही है, इस्लाम ही कामयाबी का जरिया है। क्यों पहले बच्चों ऐसा है मगरिब जो है, मगरिब में जो है किसी चीज की अच्छाई बुराई की तमीज में नहीं है, ठीक है। तो वहां के माहौल ने कायदे-ए-आज़म को यह रियलाइज करवाया, इलामा इकबाल को यह रियलाइज करवाया कि जो मगरिब का माहौल है वो इंसान को सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, जबकि इस्लाम जो है वो हमारी कामयाबी का जरिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वतन वापसी के। जब इलामा इकबाल जो है वतन वापस आए हैं 1908 में, आप वतन वापस आए, गए कब थे आप? 1905 से आपका सफर रवाना है। 1908 में जो है इलामा इकबाल वतन वापस आए, लाहौर में आपने कयाम किया, पीएचडी की डिग्री आप हासिल कर चुके हैं, तो बहुत दरबार भी अपने साथ लाए हैं। तो आप कुछ अर्सा वकालत करते रहे लेकिन इसे मुस्तकिल पेशा ना बनाया। आपका असल मैदान शायरी था। आपका असल मैदान क्या था? मैदान शायरी था, जिसे आपने मुसलमान कौम को बेदार करने के लिए इस्तेमाल किया। एक हथियार के तौर पर आपने शायरी के जरिए से मुसलमान कौम में एक नया जज्बा और जोश पैदा कर दिया। जी पहले बच्चों इलामा इकबाल जब वापस आए हैं मगरिब के माहौल को देख के उन्हें अफसोसगी हुई है कि मगरिब का जो माहौल है, जो तहजीब है वहाँ की, वो इंसान को सिर्फ तबाही की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। उसके बारे से अगर हमारा इस्लाम देखा जाए, हमारा जो दीन है वो इंसान के लिए कामयाबी का एक मुकम्मल जरिया है। 1908 में वतन वापस आए, लाहौर में कयाम किया है, कुछ अर्सा वो वकालत करते रहे लेकिन उसे मुस्तकिल पेशा नहीं बनाया, कुछ अर्से के लिए किया और छोड़ दिया। आपका जो असल मैदान था वो शायरी था, और अपनी शायरी से आपने सोए हुए मुसलमानों को जगाया। अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों की कौम में, मुसलमान कौम में नया जज्बा और नया जोश और जज्बा पैदा फरमाया। हमने किस तरह से जो है वो दिन रात मेहनत करनी है और किस तरह से अपने इस्लाम को फैलाना, किस तरह से मेहनत और ईमानदारी के साथ जो उन्होंने काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबरे पाकिस्तान। सबरे पाकिस्तान 1930 में इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। ये एक जो है लीग है, उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई है जिसका नाम है आल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो उसके सदर मुंतखब कर दिया गया। आपको इलाहाबाद में आपने जो खुतबा दिया, इलाहाबाद में इलामा इकबाल ने खुतबा दिया, इसमें पहली मरतबा मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का नजरिया पेश किया। आल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब किया गया, इलाहाबाद में उन्होंने खुतबा दिया और उन्होंने वहाँ पे अपने जो है फिक्र से जो है वो नजरिया पेश किया कि मुसलमानों का एक अलग वतन होना चाहिए। ये गोया पाकिस्तान के क्याम का पहला मुतालबा था, यानी कि ये हमारे पाक से जमीन के क्याम का पहला मुतालबा था, जो कि जो है वो इलामा इकबाल के खून से निकला था। इसलिए आपको मुफक्करे पाकिस्तान कहा जाता है, इसलिए इलामा इकबाल को मुफक्करे पाकिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ना सिर्फ पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया बल्कि इस सिलसिले में कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को नहायत मुफीद मशवरे भी दिए। आप ये बात खूब समझते थे कि इन नाजुक हालात में कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ही मुसलमानों की सही रहनुमाई कर सकते हैं। खुद कायदे आजम और इलामा इकबाल की बहुत कदर करते थे और इनकी किताबों को बहुत कीमती सरमाया समझते थे। उस जब कायदे आजम जो है वो दिन रात इन मेहनतों मुशक्कतों से और हिंदुओं से जो है वो लड़ लड़ कर उनके आगे अपने मुतालबात पेश कर करके जो है वो मुसलमानों के लिए अलग वतन के मुतालबे के लिए फिक्रमंद थे और अपने काम में मगन थे। तो उस वक्त जो है इलामा इकबाल ने कायदे आजम को बहुत मुफीद मशवरे दिए और उनके उनका
मुसलमान जो हौसला बने उन्होंने बताया कि मुसलमानों को जो है इस नाजुक हालात से सिर्फ आप ही बाहर निकाल सकते हैं और एक अलग वतन का जो हमारी सोच है उसे आप ही पूरा कर सकते हैं। कायद आजम जो है वो भाई बहुत ज़्यादा कदम कदर किया करते थे, उनकी किताबों को बहुत ज़्यादा कीमती सरमाया समझते थे, जो शायरी वो इलाहाबाद बाल किया करते थे और जो इलाहाबाद शायरी किया करते थे उसमें ज़्यादातर मुसलमानों के लिए जो है और इस्लाम के जो पैगाम हैं वो ही हुआ करते थे। पैगाम शायरी अब हम देखते हैं इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आम किस्म के शायर नहीं थे, उन्होंने अपनी शायरी को एक बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उनकी शायरी ने मुसलमानों में ज़िंदगी की एक नई लहर पैदा की और इनमें ज़बरदस्त जोश और जज्बा पैदा किया। उन्होंने मुसलमानों को खाबे गफलत से पैदा किया और उन्हें इस बात पर आमादा किया कि अपने अंदर आज़ादी की तड़प पैदा करें और गुलामी की जंजीरें तोड़ डालें। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि मुसलमान फिर से अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर ले। यहाँ पे एक शेर उन्होंने लिखा है, हमारी अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जी पहले बच्चों पैगाम शायरी ने उन्होंने क्या बताया कि जो इलामा इकबाल थे वो कोई प्यार मोहब्बत की या जो है वो फर्जी कहानियाँ नहीं घटते थे, बल्कि उनकी शायरी जो थी वो एक खास मकसद रखती थी। उनकी शायरी ने मुसलमानों में जिंदगी की एक नई लहर जो है वो दौड़ा दी और ज़बरदस्त किस्म का जोश और जज्बा पैदा फरमाया। उन्होंने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से अपनी शायरी के जरिए जगाया और उन्हें इस बात पर आमादा किया कि अपने अंदर आज़ादी की तड़प पैदा करें, गुलामी की जो जंजीरें हैं जिन्होंने मुसलमानों जिन जंजीरों ने मुसलमानों को जकड़ा हुआ है उसे तोड़ डाला और अपना खोया हुआ मुकाम जो है वो हासिल करने की कोशिश करें। सफ़ा नंबर 145 पे आ जाए। यहाँ पर हमें बताया जाने लगा है, पॉइंट है हमारा वफ़ात इलामा इकबाल। वफ़ात इलामा इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आपका मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के सदर दरवाजे के बाहर है जहाँ शाह गदा हाजिर देते हैं। जी इलामा इकबाल ने वफ़ात पाई है 21 अप्रैल 1938 को, वहाँ पे जो बादशाही मस्जिद के सदर दरवाजे पर आपके बाहर जो है आपका मज़ार बनाया गया है, वहाँ पे लोग हाजिरी देते हैं, दूर दूर से वहाँ पे लोग आते हैं। तो इलामा इकबाल भी जो है वो पाकिस्तान के लिए नहायत एक जो है मोजज़ इंसान थे जिनकी जिन्होंने बहुत सारी कोशिशें की इस मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क के मुसलमानों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तसानीफ़ इलामा इकबाल की। तसानीफ़ इलामा इकबाल की किताबें उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, उन्होंने कौन कौन सी तसानीफ़ जो है वो लिखवाई। आपका कलाम उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में है। इलामा इकबाल के कलाम जो है वो आपको उर्दू में भी मिलेंगे, फारसी में भी मिलेंगे। बांगे दारा बाल जिब्राई तसानीफ़ के नाम है ये, बांगे दारा बाल जिब्राई ज़रबे कलीम उर्दू के मजमूए हैं ये। अरगमान हजाज का कुछ हिस्सा उर्दू में है और कुछ फारसी में। प्यामे मशरिक ज़ुहूर अजम जावेदनामा इसारे उर्दी और रमूज़े बेहूदी फारसी में है। ठीक है पहले बच्चों लास्ट उनका एक कलाम है जो कि हम पढ़ते हैं, नमूना एक कलाम है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है कायद आज़म सॉरी पहले बच्चों इलामा इकबाल लिखते हैं अपनी शायरी में नमूना एक कलाम में, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कुमन, सितारों पर जो डालते हैं कुमन। हूँ एक हूँ मुस्लिम में हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम में हरम की पासबानी के लिए। नील के साहिल से लेकर तबखा का शगर कि मोहम्मद से वफा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तो तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। इसके साथ ही आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी जिसमें आज हमने पढ़ा कलमा की इकसाम, इस्म, हरफ, फेल और दूसरी चीज हमने वाहा जमा पढ़े, तीसरी चीज हमने मज़मून इलामा इकबाल का पढ़ा। ठीक है प्यारे बच्चों इलामा इकबाल ने जो है कायद आज़म के साथ बहुत सारी कोशिशें करके पाकिस्तान के लिए जो है आज इलामा इकबाल और
कायदे आजम और भी बहुत से हमारे अजीम रहनुमा जिनकी कोशिशों की वजह से आज हम सुख का सांस ले रहे हैं, आज हम आज़ादी से अपने मुल्क में बैठे हैं और अपनी जो है मर्जी से अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। बहुत सी कुर्बानियों के बाद ये वतन हमें हासिल हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में अगले सबक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।